नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल HS भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र और धन प्राप्ति का एक ऐसा उपाय बताऊंगा। अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। बरसात होगी आपके घर में, एक तरह से जो है बरसात का मतलब यह है कि आपके धन के रास्ते खुलेंगे, अच्छी ही जो है आमदनी होगी, आपके आमदनी क्षेत्र बढ़ेंगे, माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा रहेगी आपके घर पर। और जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हो उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आपको तीन कार्य करने हैं। अगर ये तीन कार्य आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे ऐसी स्थिति बदल जाएगी और जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। धन की कमी का मतलब ये होता है कि इतना पैसा रहेगा कि आपको कभी किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आपके काम है वो कभी पैसे की तंगी से नहीं रुकेंगे। आपके सभी आवश्यक कार्य पूरे होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों सबसे पहला तुलसी का पौधा। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है। अब आपको करना क्या है, तुलसी के पौधे पर शाम के समय आप घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाते समय आप जो दीपक आप जलाएंगे उसमें थोड़े से चावल डाल दें, थोड़े से चावल डाल करके। और आप अगर आपके पास सालग्राम जी की कोई छोटी मूर्ति हो तो वह तुलसी के पौधे में आप रख दें और तुलसी को ऐसी जगह रखें यहां पर जो अशुद्धता ना हो, तुलसी हरी भरी आपकी बनी रहे। दोस्तों आप ऐसा करते हैं यानी प्रतिदिन दीपक जलाते समय उसमें थोड़े से चावल डाल दें तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा होता है बुजुर्गों का आशीर्वाद। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घर में बुजुर्ग है, माँ बाप है या सास ससुर है तो आप उनका आशीर्वाद जरूर लें। कोई ऐसी बात ना करें जो घर में लड़ाई झगड़ा हो और जिस घर में कलेश रोजाना होता है वहां से लक्ष्मी जी चली जाती है, दलिद्रता का वास हो जाता है। जिस घर में सुख शांति और प्रेम भाव होता है उस घर में सदाई माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। दोस्तों तीसरा है गौ सेवा। आप पहली रोटी गौ के लिए निकाल दें, थोड़ा सा तोड़ करके उसमें पहले अग्नि के लिए निकाल दें और बाकी रोटी जो है चुपर करके उस पर थोड़ा सा घी रख के और गौ के लिए प्रतिदिन खिलाएं। ये तीन काम अगर आप करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तुलसी का पौधा घर में रखते हैं और बड़ों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, आपके घर में प्रेम भाव रहता है तो जिंदगी में आपको कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सदा ही माता लक्ष्मी जी का वास रहेगा, घर के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें और तुलसी माता के पास आप ऐसी चीजें ना रखें जिससे घर में दलिद्रता का वास हो। उसके लिए मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं, आप उसमें देख लें। आपको आइकन बटन में भी जो है वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि वास्तु दोष के हिसाब से कई चीजों का घर में ध्यान रखना पड़ता है और उल्टे हिसाब से आप चलते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, बड़े ही चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। जरूर नहीं आपको बड़ा ही जो है कार्य करना पड़े, बड़े अनुष्ठान करने पड़े, आप सिर्फ छोटे छोटे टिप्सों को अपना करके भी आप घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी कि आप अगर ऐसा कार्य करते हैं तो गारंटी के साथ देख लीजिए आपके घर में धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपके पास भरपूर पैसा रहेगा और पैसे की कभी आपको तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी लगी अच्छी लगी होगी और आप इन टिप्सों को फॉलो करोगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करते हुए ऑल को जरूर दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास। जय श्री कृष्ण, जय माता।